सोलन में यूनियन बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल के चलते सभी कर्मचारी बैंकों का कामकाज छोड़ सड़कों पर धरना देते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर धरने पर बैठे कर्मचारियों से रोष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनसे जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, जो उनके साथ अन्याय है। उनका मानना है कि अभी तो केवल दो दिन की हड़ताल है और अगर सरकार का रवैया ऐसा ही प्रतीत होता रहा तो इस समस्या का हल जल्द होने वाला नहीं है और आने वाले समय में और विशाल और उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। यूनाइटेड फॉर्म बैंक यूनियन सोलन के संयोजक राजेश ने कहा कि बैंक कर्मचारियों ने सरकारी योजना जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही नहीं, कर्मचारियों ने नोटबंदी के दौरान कड़ी मेहनत की, लेकिन सरकार का रवैया उनके प्रति दोस्ताना नहीं रहा है और महज उनके वेतन में हास्यप्रद ढंग से केवल 2% की वृद्धि की गई, जो उन्हें कतई मान्य नहीं है। इसलिए वे दो दिवसीय हड़ताल पर हैं और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे हड़ताल और उग्र रूप ले सकती है। इस हड़ताल का जो आयोजन हो रहा है इसका मुख्य कारण यह है कि आईबीए और जो सरकार है उनका जो हमारी जो मांग थी एक वेतन वृद्धि की, उसके लेके जो रवैया है और जिस तरह से उन्हें हास्यास्पद रूप से हमें सिर्फ 2% वेतन वृद्धि का जो प्रस्ताव रखा है, जो एक बैंक कर्मचारियों के साथ एक मजाक है। जो बैंक कर्मचारियों ने नोटबंदी हो या दूसरी जनधन योजना हो या और सरकारी योजना जैसे मुद्रा योजना है या सरकारी बीमा बेचने की योजना है, जिस तरीके से हमने लागू की है, हमें लगता था कि उसके एवज में हमें एक बढ़िया एवज वेतन वृद्धि मिलेगी, लेकिन सरकार ने पहले हमसे वादा करके वादा खिलाफी की है और हमें मजबूर किया है आज कि हम सड़कों पर उतरे और आज उसी के विरोध में, सरकार के इस रवैये के विरोध में और आईबीए के जो रुख है उसके विरोध में पूरे के पूरे हिंदुस्तान के 10 लाख बैंकिंग इंडस्ट्री के कर्मचारी सड़कों पे हैं।